हाय फ्रेंड्स, श्रद्धा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव की सूखी चटनी। मुंबई वड़ा पाव के लिए फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है उसके साथ खाई जाने वाली सूखी चटनी। कितने ही लोग वड़ा पाव लेने से पहले ही पूछ लेते हैं कि सूखी चटनी तो है ना, क्योंकि वड़ा पाव बिना सूखी चटनी अधूरा है। तो चलिए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए 10-12 सूखी लाल मिर्च, 15 से 20 कलियां लहसुन की, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून तिल, 1 कटोरी सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। तो चलिए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लाल सूखी मिर्च को ड्राई रोस्ट करेंगे। मिर्च को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और चटनी का भी कलर डार्क आएगा। इनकी रेडनेस बचाने के लिए इन्हें हल्का ही रोस्ट करेंगे। सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके चटनी बनाने से चटनी हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ब्राउन होते ही लहसुन को भी पैन से निकाल लेंगे। सूखा नारियल अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम तिल और जीरा भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। अब हम इनके ठंडे होने का वेट करेंगे और उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सूखी लाल मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्च को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को और मिर्ची को फिर से ग्राइंड करेंगे। लाल मिर्च और लहसुन को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें सूखा नारियल डाल के सूखा नारियल भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सूखा नारियल, तिल, जीरा और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। सूखा नारियल भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे मिर्ची और लहसुन में ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़ा पाव के साथ खाई जाने वाली सूखी लाल चटनी बनके रेडी है। खाओ, खिलाओ। सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी। बाय।